राशिद अंकल क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे नहीं करनी इनसे बात। हेलो। फाइनली तुमने मेरी कॉल अटेंड कर लिया। देखा ना, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। मैंने आपसे ये पूछना था कि आपके आने और जाने की टाइमिंग क्या है। अंकल मैं खुद आ जाऊंगी, आप प्लीज मत करें ये सब कुछ। मैं पहले बहुत मुश्किल हालात से लड़ रही हूँ, आप मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत करें अंकल, प्लीज रिक्वेस्ट। अंकल हाँ, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो, चिढ़ाने के लिए कहती हो। कोई बात नहीं, कहो, अच्छा लगता मुझे अंकल। मेरी मैम आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हिम्मत कैसी हुई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई और मेरी बात अधूरी छोड़कर तुम चली आई यहाँ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मुझे परेशान मत करें प्लीज। रुक जाओ, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ ना, जहाँ तुम काम करती हो वहां से आज जल्दी छुट्टी लो और चलो मेरे साथ। देखिए मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी। मैं आ गया हूं ना तुम्हें लेने, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा, छुट्टी लेकर जल्दी आओ। याद रखना मैं नहीं चाहता हूं कि जहां तुम काम करती हो वहां कोई तमाशा बने। जल्दी आओ। तो इतनी देर से आई हो, कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है सतफ में हम 2 से 3 बार तुम्हारा पूछ चुके हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि राफी की बर्थडे पार्टी कैसी रही? उसने तो खूब एंजॉय किया होगा, बहुत खुश हुआ होगा ना वो? हाँ राफी तो बहुत खुश था। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है? एक काम करोगी प्लीज, सतफ मैम नजर आई ना तो उनसे कहना कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। अगर मेरा उनसे सामना हो गया तो वो मुझे खामखा डांटेंगी। लेकिन हुआ क्या है, बात तो बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, राशन तो मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं अभी उनके साथ नहीं गई तो वो यहाँ आकर बहुत बड़ा तमाशा करेंगे कि मुझे ये लोग जॉब से निकाल देंगे। अरे उसने ऐसा कहा और तुमने सुन भी लिया, वाह तुम कमाल हो। तुम उन्हें कहो कि हाँ ठीक है वो ऊपर आए और देखते हैं वो क्या करते हैं और फिर देखा जाएगा जो भी होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, तुम जानती हो ना कि मुझे ये जॉब बहुत मुश्किलों से मिली है। मैं किसी भी कीमत पर अपने हाथों से ये जॉब जाने नहीं दे सकती।
मुझे फिर किसी अच्छी जगह अप्लाई करना है, अच्छी जॉब ढूंढनी है। अगर मैंने ये सब कुछ किया तो फिर कौन देगा मुझे जॉब? तो तुम अपनी मामा से बात करो ना। देखो राशिद जैसे लोगों से सिर्फ वही डील कर सकती है, और ऐसे भी सिर्फ तुम्हें हरास कर सकता है। तुम्हें पता है ऐसे लड़कों को ना दो चप्पल पड़े फिर जाके वो ठीक होता है। तुम बेवकूफ बर्दाश्त करिए उसके हरासमेंट, तुम बहादुर बनो और मुंह तोड़ जवाब दो उसे। मेरी मामा से अभी कुछ नहीं कह सकती, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। मेरी बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाएंगी और उन्हें तंग नहीं करना चाहती। तो फिर तुम अपने पप्पो से बात करो, वो तो अच्छी खातून लगती हैं, वो जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे इस मैटर का। हाँ मैं बात करूंगी पप्पो से। अमल तुम ऐसी डरपोक औरत बनकर जुल्म प्लीज बर्दाश्त मत करो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अच्छा कस्टमर डील कर रही हूँ मैं, जाते तुम ख्याल रखो। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तो अपने पापा की बहादुर बेटी थी। जहे नसीब महारानी साहबा, आइए आइए, आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं अंकल? ये आपको अंकल गाड़ी में बताएंगे, आइए प्लीज बैठो। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? राशिद को किसी का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। अब अगर तुम इसी तरह बैठी रहोगी मैं तो बोर हो जाऊंगा। अमल क्या कर रहे हैं? हाथ हटाए। क्या कर रहा हूँ? सिर्फ हाथ ही तो पकड़ रहा हूँ, तुम्हारा काट तो नहीं रहा हूँ।